दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता के कारण उनके नेताओं में भावी निराशा और डर है कि लोग उनकी सभाओं और पदयात्राओं में शामिल नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने नेता के नाम पर दिल्ली की जनता को भावनात्मक रूप से बहकाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई झूठ अब चल नहीं पा रहा है। वास्तविकता यह है कि लोग अब आपको सत्ता से हटाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी फ्रस्ट्रेशन है और भारी डर है कि लोग अब उनकी सभाओं में नहीं आ रहे, लोग उनकी पदयात्राओं में नहीं आ रहे और एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रही है, जो हर बार होता है, लोगों में भ्रांति फैलाना, लोगों में गलतफहमी पैदा करना, लोगों को मिसगाइड करना। आज की जो घटना है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही है, उसमें साफ रूप से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को एक प्रकार से लोगों के बीच में दिल्ली की जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। अब कोई हथियार काम नहीं आ रहा है, कोई इनका जुमला काम नहीं आ रहा है, कोई इनकी झूठ जो है वो चल नहीं पा रही है, तो अब एक नया शगुफा छोड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते, जबकि वास्तविकता ये है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता अपने जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उनके नेता हैं, वो अपनी पार्टी के जो सुप्रीमो है उसको इस प्रकार की छवि के साथ पेश करना चाहते हैं, जिससे लोगों में उनके प्रति इमोशनल एक इमोशन जाता है।